नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं श्रद्धा सिंह। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। बागबेड़ा थाना अंतर्गत बड़ौदा घाट नदी में खेलने गए 12 वर्षीय बच्चे की डूब जाने से हुई मौत, पुलिस जांच में जुटी। परसुडी में पारिवारिक विवाद में पति ने अपनी पत्नी की पीट पीट कर हत्या कर दी, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर के आरडी टाटा मोड़ के पास स्कॉर्पियो ने ऑटो को मारी टक्कर, 2 महिला समेत 5 घायल, एमजीएम में इलाजरत। और जमशेदपुर के जिला मुख्यालय पहुंच सैकड़ों की संख्या में छात्राओं ने मूलभूत सुविधा की मांग को लेकर आंदोलन किया। खबरें विस्तार से। बागबेड़ा थाना अंतर्गत बड़ौदा घाट खरकई नदी में दोस्तों संग खेलने गए 12 वर्षीय कीटाड़ी निवासी विकास यादव की डूब जाने से मौत हो गई। इधर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। 12 वर्षीय विकास यादव अपने पड़ोस के ही 2 साथियों के साथ खेलने के लिए सोमवार दोपहर घर से बाहर निकला, फिर लौट कर नहीं आया। परिजनों ने विकास की काफी खोजबीन की पर कहीं कुछ पता नहीं चल पाया। आज अचानक सुबह परसुडी पुलिस से सूचना प्राप्त हुई कि उनके पुत्र का शव बागबेड़ा बड़ौदा घाट खरकई नदी से बरामद हुआ है। जानकारी देते हुए मृतक के पिता लाला यादव ने बताया कि कल दोपहर 3 बजे उनका पुत्र घर से निकला पर लौट कर नहीं आया। उनका पुत्र पड़ोस के 2 बच्चों के साथ खेलने निकला था। दोनों बच्चों से कई बार उनके द्वारा पूछा गया पर दोनों बच्चों ने कुछ नहीं बताया। आज अचानक बागबेड़ा पुलिस से उन्हें सूचना मिली कि उनके पुत्र का शव खरकई नदी से बरामद हुआ है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस पदाधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि कल एक बच्चे के नहाने के क्रम में डूबने की सूचना बागबेड़ा पुलिस को मिली थी। बागबेड़ा पुलिस द्वारा गोताखोरों की मदद से नदी में तलाशी भी की गई थी पर उस बच्चे का कुछ पता नहीं चल पाया। आज स्थानीय लोगों से पता चला कि किसी बच्चे का शव नदी में तैर रहा है। उन्होंने बताया शव को बाहर निकालकर बच्चे की पहचान कर उनके परिजनों को सूचना दी गई। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है और जांच पड़ताल की जा रही है। आज हमको पता चला, हमको मैंने थाना में आए तो कंप्लेंट करने खोज रहे, इधर उधर जहाँ तहाँ खोज रहे, किसी किसी दोस्त यारी के पास पूछ रहा, लेकिन कोई कहीं रिपोर्ट नहीं मिल रहा। ये तो दोनों का साथ, तीनों ये लोग मिल के एक साथ आया था। कल हम लोग को सूचना मिला था कि कोई नदी में कोई बच्चा उच्चा ऐसा कोई नदी में नहाने के क्रम में डूब गया। तो कल हम लोग आए थे यहाँ पे खरकई नदी के पास बड़ौदा घाट में, तो ऐसा कुछ देखा नहीं गया। आज पुनः सुबह हमें सूचना मिला कि कोई बच्चा का शव नदी में तैर रहा है। उसको हम लोग देखे आके, है ना, तो आके देखे तो डूबे हुए पानी में डूबा हुआ था। परसुडी थाना अंतर्गत खाकड़ीपाड़ा में उस समय सनसनी फैल गई जब आपसी पारिवारिक विवाद में पति प्रेमचंद पात्रों ने अपनी पत्नी पूनम पात्रों की पीट पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रेमचंद पात्रों को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त सारे सामान बरामद कर लिया है। प्रेमचंद पात्रों और उसकी पत्नी पूनम पात्रों जादूगोड़ा के निवासी है। प्रेम विवाह कर वर्तमान समय में दोनों किराए के मकान लेकर परसुडी खाकड़ीपाड़ा में रह रहे थे और दिहाड़ी मजदूरी का काम कर रहे थे। परसुडी थाना के थाना प्रभारी राम कुमार वर्मा ने बताया कि अचानक दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि पति प्रेमचंद पात्रों ने लात घूसे और बेलने से अपनी पत्नी पूनम पात्रों की पिटाई शुरू कर दी, जिसमें 42 वर्षीय पत्नी पूनम पात्रों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। साथ ही पति प्रेमचंद पात्रों को गिरफ्तार कर थाने ले आई। उन्होंने बताया कि घटना में प्रयुक्त बेलन को बरामद कर लिया गया है। पति पत्नी दोनों आपस में शराब पी एक साथ बैठे थे और इसी बीच में किसी बात को लेकर के दोनों के बीच में, पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया, जिसमें आवेश में आकर के पति के द्वारा पत्नी को मारा पीटा गया, जिसके कारण में उसकी मृत्यु हो गई। सर, इस संबंध में पति प्रेमचंद पात्र को गिरफ्तार कर लिया गया तथा न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। मृतिका का पूनम पात्रों का लाश पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम भेज दिया गया। जमशेदपुर के आरडी टाटा मोड़ के पास स्कॉर्पियो ने ऑटो में मारा धक्का, 2 महिला समेत 5 घायल, सभी का एमजीएम अस्पताल में चल रहा है इलाज। जमशेदपुर के गुलमुरी थाना क्षेत्र के आरडी टाटा मोड़ के पास साक्षी से स्टेशन जा रही ऑटो में विपरीत दिशा से आ रही स्कॉर्पियो के टकरा जाने से उसमें सवार 5 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल पहुँचाया गया है।
सूचना अनुसार कपाली के कबीर नगर निवासी नौशाद आलम परिवार के अन्य सात लोगों के साथ आसनसोल जाने के लिए ऑटो से टाटा नगर स्टेशन जा रहे थे। इसी क्रम में जब उनकी ऑटो आरडी टाटा मोड़ के पास पहुंची, उसी समय दूसरी दिशा से आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो उनकी ऑटो से आ टकराई। इसमें ऑटो क्षतिग्रस्त हो गई एवं ऑटो में सवार नौशाद सहित उसके पांच परिजन जख्मी हो गए। घायल हुए लोगों में नौशाद आलम के साथ उसकी बेटी वारिसा नौशाद, चाचा मुजीब, पत्नी रेशमा खातून, भाई शमशाद आलम शामिल है। घटना के समय टेम्पो में तीन बच्चे भी सवार थे, लेकिन वे सभी सही सलामत बच गए। सभी घायलों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये हादसा हुआ हावड़ा ब्रिज गोल चक्कर में। कैसे, क्या हुआ, क्या पता चला? वो साक्षी की तरफ से एक स्कॉर्पियो बहुत स्पीड में आ रहे थे, ब्लैक कलर का जीएमएम का झंडा लगा था, वो स्पीड में आ रहे थे। कहां जा रहा था? वो जा रहे थे स्टेशन की तरफ। तो स्टेशन की तरफ जा रहे थे और इन लोग स्टेशन तरफ से आ रहे थे, ये लोग स्पीड में गया, गाड़ी को मारते हुए गाड़ी दो तीन पलटनियाँ हो गया, वहीं पलट गया, उसके बाद दो तीन गाड़ी को मारे। मेरा नाम मोहम्मद दिलशाद आलम। दिलशाद आलम? दिलशाद जी, दिलशाद आलम। आलम आलम कहाँ रहते हैं? आजाद बस्ती पॉलिटेक्निक कॉलेज के बगल में। कहाँ जा रहे थे? जा रहे थे आसनसोल, मतलब स्टेशन, यहाँ से आसनसोल स्टेशन जा रहे थे। जी जी, स्टेशन जा रहे थे। क्या हादसा हुआ आप लोगों के साथ? हावड़ा ब्रिज के पास जो है ना, उधर से बना मस्त तरह लाइन से वो आया एक स्कॉर्पियो और जो है ना मेरा हमारा टेम्पू का ऐसा मारा कि पूरा टेम्पू हमारा पलटी हो गया, पूरा रगड़ाते हुए जो है ना हमारा टेम्पू पूरा गया, तो हम लोग पूरा इंजोर्ड कर भाग गया स्कॉर्पियो, भाग गया। और जमशेदपुर के जिला मुख्यालय सैकड़ों की संख्या में छात्राएं पहुंची जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, जहां सरकारी उदासीनता सरकारी दावों की पोल खोल रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली राज्य सरकार से ये सभी छात्राएं अपने आगे की शिक्षा जारी रखने को लेकर शिक्षकों की बहाली एवं मूलभूत सुविधाएं देने की मांग कर रही है। हेमंत सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाकर छात्राओं को शिक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं छात्राओं का आंदोलन कुछ अलग कहानी बयां कर रहा है। जहां ग्रामीण क्षेत्र में छात्राओं के लिए आवासीय भवन एवं उच्च विद्यालय में शिक्षकों की कमी के कारण इन छात्राओं का नामांकन नहीं हो पा रहा है, वहीं अब इन छात्राओं के अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य को लेकर काफ़ी चिंतित है। जहाँ ये सभी अपनी समस्याओं का समाधान की तलाश में जिला मुख्यालय पहुँच कर उपायुक्त विजया जाधव से फरियाद लगा रहे हैं। आंदोलन कर रहे हैं अभिभावक एवं छात्राओं का कहना है कि जिले में कुल 14 आवासीय विद्यालय का संचालन किया जा रहा है, जहां 6 क्लास पास करने के बाद अब हम लोगों के समक्ष शिक्षकों की कमी एवं विद्यालय में आवास की कमी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में हम छात्राएं आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, मगर ऐसी व्यवस्था में अब हमारी आखिरी उम्मीद राज्य सरकार की तरफ है, जहां हम अपनी समस्याओं से उपायुक्त को अवगत कराकर राज्य सरकार से सभी सुविधाएँ देने की मांग कर रहे हैं। किस क्लास में एडमिशन नहीं हो रहा सर? अभी 8 क्लास में। क्या बोला जा रहा वहाँ पे? अभी तक घर बना नहीं है। घर बना नहीं है? घर बना है बट ये क्या बोलते बाउंड्री नहीं बना है, तो वहाँ पर जाएंगे कैसे? घर भी नहीं है, कोई मास्टर भी नहीं है। तो बार बार बोलता है पापा हमने तो पास कर लिए, लेकिन हम मेरा एडमिशन क्यों नहीं हो रहा, हम उसको जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो हमने इस सोच के लिए आज डीसी मैडम को इस आगे बढ़े कैसे मेरे बच्चे आगे बढ़े पढ़ने के लिए भविष्य अच्छा रहे, इसके लिए हम लोग विज्ञापन डीसी मैडम को देना चाहते, क्योंकि सर हम लोग इस चैनल के माध्यम लोग आप लोग को मीडिया के माध्यम से ये बात कर रहे हैं कि हम लोग के बच्चों का भविष्य बर्बाद ना हो, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास के हैं, हम लोग सब गरीब किसान से बिलोंग करते हैं। आप लोग हम लोग को दिखाई दे रहे हैं कि हम लोग किस स्थिति से आए हुए हैं, बहुत हर प्रखंड से आए हुए हैं, कितना अभी हम दिखा सकते हैं टिफिन जो झोला में लेकर खाना लेकर बच्ची के भविष्य के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं। इधर विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर 70,000 रुपए की ठगी करने का मामला प्रकाश में आया है। मानगो थाना पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। शहीला बीबी नामक महिला ने मानगो थाना में लिखित शिकायत दर्ज की है कि उसके बेटे को विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर कपाली निवासी शाहिद एवं कमाल नामक युवक 70,000 रुपए की धोखाधड़ी किए हैं। किसके खिलाफ आए हैं? शाहिद और कमाल। क्यों? उन लोग मेरे साथ धोखाबाजी की है सर। क्या चीज़ का? मेरा बेटा को पैसा लेके बोले विदेश भेजेंगे, ना भेजे हैं ना कुछ किए, भेजे थे पर वहाँ पे ले जाके फंसा दिए, एक विजिट वीजा में भेजा था इन लोग। क्या बोला था? बोला था तुरंत लगेगा एम्प्लॉयमेंट। कितना पैसा दिए इन लोग? दिए हैं 70,000 रुपया। 70,000 भाई का 30,000 और अपना 42,000। शाहिद कहाँ रहता है? कमल खान का ऊपर में। कहाँ एड्रेस उन लोग का? 13 नंबर आलिशान टावर, उसी में रहता है। वहाँ भी रहता है कमल खान के यहाँ भी रहता है। शाहिद का क्या रिकॉर्ड है पहले का? उसका रिकॉर्ड तो उनकी बीबी भी केस की हुई है उनके पर। शाहिद क्या जेल गया है? हाँ सर, शायद गया है। किस मामले में? ये तो हमको नहीं पता सर।
कमल को पैसा अकाउंट में डाले आप लोग? जी साहिश बोले अकाउंट में डाले, हम डाल दिया। झूठ कई लोग ब्लेम मार रहे मेरे ऊपर में कि हम गए थे कल उन लोग के पास लड़ने के लिए, जबकि हम गए ही नहीं है। झूठ बात है जी। तो थाना किस लिए पहुँचे? थाना में हमको बड़ा छोटा बाबू फोन करके बुलाए हैं इस मैटर में, लेकिन छोटा बाबू लोग मेरा साथ दे रहे हैं। थाना वाला साथ दे रहा है? साथ दे रहे। चाहते क्या आप? मेरा पैसा मिल जाए हम लोग को। कितना? मेरा 70,000, मेरे भाई का 30,000, मेरा 42,000 रुपया। मतलब बेटा के साथ धोखा हो गया? जी धोखा हुआ है, विदेश भेजने के नाम पे। जी। वही इस मामले पर शाहिद ने बताया कि उन पर लगाया गया आरोप मनगठन है। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद। शाहिद जी आपके ऊपर आरोप लगा है विदेश भेजने के नाम पर 70,000 रुपए लिए हैं आप लोग। मेरा ये सरासर झूठा आरोप है, मुझे इस मामले से कोई लेना देना है ही नहीं, मैं सिर्फ गवाह हूँ। कमल खान का ऑफिस जहाँ पे है, मेरा मकान वहाँ पे है, मैं उस ऑफिस में आधे घंटे के लिए आता जाता हूँ, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। और सिर्फ उसने मेरे सामने पैसा दिया गया था 30,000, जिसमें हम ये सिग्नेचर गवाह बन के किए हैं। लेकिन वो महिला जो है वो कपाली थाना में ऑलरेडी कंप्लेंट डाल चुकी थी, कपाली थाना में सारा प्रमाण दे दिया गया है कि ये पैसा उनको रिटर्न कर दिया गया, ये हमारे पास सारा प्रमाण है कि उनको पैसा दे दिया गया लिखित में है। लेकिन उसके बावजूद वो महिला जो है वो कुछ स्थानीय लोगों के साथ मिलकर घर पर धावा इनका बोल रही है। जब इनके घर पे धावा बोल रही तो हम चढ़ रहे हैं बोलने के लिए कि ये मेरा घर है, यहाँ पे मत चढ़ो तुम। तो वो मेरा नाम भी संलिप्त कर दे रही है कि ये भी एजेंट है, जबकि मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। तो मतलब आप लोग पैसा नहीं लिए हैं? भाई हम लोगों को एक रुपया का कोई मामला नहीं है, जो पैसा वो ली थी उसका प्रमाण है यहाँ, उसको पूरा पैसा दे दिया गया है, उसके बाद बावजूद वो जबरन वसूली कर रही है। गलत आरोप आपको? बिल्कुल गलत आरोप। और मेरा नाम जो वो घसीट रही है तो हम तो सिर्फ गवाह है। कहाँ रहते हैं आप? 13 नंबर में। हम गवाह हैं इस मामले का, गवाह को वो एक्यूज्ड बना दे रही है, हम गवाह में साइन किए हैं कि हाँ मेरे सामने ये किया गया है काम। सिद्धगोड़ा में सड़क दुर्घटना में साइकिल पर सवार भाई बहन घायल, इलाज के लिए एमजीएम में कराया गया भर्ती। सिद्धगोड़ा में नशे की हालत में दोपहिया वाहन चालक ने साइकिल पर सवार भाई बहन को धक्का मारकर घायल कर दिया और मौके से भागने में सफल रहा। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को इलाज के लिए एमजीएम में भर्ती करवाया है। बता रहे कि वो लोग नशे के झुग में थे, रॉन्ग साइड में चला रहे थे लोग गाड़ी। अच्छा, फिर मार दिया? मार के भाग गया वो लोग। भाग गया सब? कितना लोग था? लोग दो लड़के लोग थे। लोग दो लड़का बाइक में था जी। नंबर वगैरह कुछ पता चला? नहीं नहीं पता चला, क्योंकि हमारे जो पेशेंट है वो बेहोश हो चुका था, तो ना लड़का बच्चा ध्यान देने नहीं सकता, भाग गया सब। भाग गया। मानगो स्थित गोल चक्कर के समीप तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से 8वीं कक्षा की छात्रा हुई घायल। मानगो स्थित गोल चक्कर के समीप तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से 8वीं कक्षा की छात्रा घायल हो गई। घायल छात्रा को इलाज के लिए स्थानीय गुरु नानक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कैसे हुआ एक्सीडेंट? ये लोग आ रहा था, पार हो रहा था, उसी में मार दिया। कौन गाड़ी मारा? कार है। कार वाला मार दिया? मार दिया कार वाला। पकड़ा गाड़ी को ना? हाँ पकड़ाया, लेकिन अभी छोड़ दिया, अभी उसका बेटा को पकड़ाया। अच्छा, कार और कोई चला रहा था? हाँ कोई चला, चल गया कार, चले गया। हाँ उसका बेटा को लाया है ना? हाँ उसका बेटा को तो पूरा इलाज करेगा, नहीं करेगा तो फिर उसको देगा। अच्छा इलाज कराने बोला ना? कपाली स्थित ताजनगर में आपसी विवाद में नशेड़ी युवक ने बच्चे को मारकर किया घायल, नशेड़ी के खिलाफ थाना में मामला दर्ज। कपाली स्थित ताजनगर में आपसी विवाद में नशेड़ी तबरेज नामक युवक ने बच्चे को पत्थर से मारकर घायल कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर घायल के परिजनों ने इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया है। इस संबंध में आरोपी के खिलाफ थाना में मामला दर्ज किया गया। कौन मारा इसको? तबरेज मारा, तबरेज सर वहाँ भाड़ा में रहता है, पिता है। ठीक है, तबरेज। हाँ क्यों मारा आपका बच्चा? पूरा सर पिया हुआ था, पीने के झोंक में 4-5 बच्चा के सामने पेशाब कर रहा था, बच्चा मना किया गया यहाँ पेशाब मत कर, हम भी उसको बोले बच्चा के सामने पेशाब, इसी बात पर झगड़ा हुआ। और इसमें उसका ससुराल वाला भी और उसका उल्टा सपोर्ट कर दिया सर, साल के पूरा सपोर्ट कर रहा है। तो बड़ा है वो? हाँ सर 20 साल का, मोटा मोटी उसका साल 18-20 साल का हो गया। थाना में आप लोग कंप्लेंट किए? थाना में हम सर कंप्लेन कर दिए, थाना वाला हमको इंजरी रिपोर्ट के लिए भेजा, अभी हम इंजरी रिपोर्ट लेके जाएंगे तब फिर केस करेंगे। बाबूलाल मरांडी को भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा के बाद भाजपाइयों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इधर जुगसलाई क्षेत्र की गौशाला चौक में भाजपाइयों ने जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मुंह मीठा कराकर पूरे क्षेत्र में लड्डू वितरण किया। केंद्रीय नेतृत्व द्वारा भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश की कमान बाबूलाल मरांडी को सौंपी गई है। आगामी लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में ही राज्य में लड़ी जाएगी।
इसे लेकर भाजपाइयों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। जगसलाई गौशाला चौक पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर एक दूसरे को मुंह मीठा कराकर बधाई देते हुए पूरे क्षेत्र में लड्डू का वितरण किया। जानकारी देते हुए सांसद प्रतिनिधि संजीव कुमार ने बताया कि बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा की सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी और विधानसभा में अपनी जीत दर्ज कराएगी। बाबूलाल मरांडी जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने से भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं में उत्साह का एक नया लहर है, एक नया उमंग है। उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने से सभी कार्यकर्ताओं में एक नया जोश का संचार हुआ है और संगठन में एक नई स्फूर्ति आई है और उनके नाम मात्र से ही सारे कार्यकर्ता अपने अपने जगहों पर निकल गए हैं और संगठन के काम में लग गए हैं। इधर जमशेदपुर के मोहरदा वाटर प्लांट के द्वारा पीने के पानी की शुद्धता में सुधार को लेकर आम आदमी पार्टी महानगर कमेटी द्वारा बिरसा नगर वाटर प्लांट का घेराव किया गया। साथ ही साथ जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा करने की मांग की गई, अन्यथा उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। बिरसा नगर वाटर प्लांट मोहरदा द्वारा बिरसा नगर जोन नंबर 1 से 10 तक बागुन नगर, बागुनहातु, शांति नगर, मिथिला कॉलोनी, भोजपुर कॉलोनी समेत आसपास के इलाकों में पानी का सप्लाई किया जाता है। यह पीने का पानी किसी भी तरह से पीने लायक नहीं है और इस गंदे पानी का सप्लाई किया जा रहा है, जो कि पानी की गुणवत्ता के साथ साथ वाटर प्लांट की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करता है। वर्तमान समय में प्लांट का संचालन टाटा ग्रुप के जुस्को द्वारा किया जा रहा है। टाटा ग्रुप जो कि देश में अलग पहचान रखती है और इस संस्था द्वारा गंदे पानी का सप्लाई करना लोगों को आश्चर्यचकित कर रहा है। इधर साफ पानी की सप्लाई को लेकर आम आदमी पार्टी महानगर कमेटी के द्वारा बिरसा नगर वाटर प्लांट का घेराव किया गया और जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरी करने की मांग की गई, अन्यथा उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। विवश होकर के हम लोगों ने धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और हमारी मांगे ये है कि ये पूरे इलाके में बिल्कुल ही स्वच्छ जल चाहिए, पीने युक्त पानी चाहिए और साथ ही साथ मेरा यहाँ के जो वर्तमान प्रतिनिधि हैं और जो भूतपूर्व प्रतिनिधि थे उन लोगों से भी हमारा डिमांड है कि यहाँ पे आएं और इस प्लांट का एक ग्लास पानी पिए और पानी पीने के बाद में वो खुद से इसको समझें ये पानी कैसा पानी है, दूषित पानी है या स्वच्छ पानी है, क्योंकि इलेक्शन के समय में लगभग सभी इलाके में वर्तमान प्रतिनिधि होंगे या भूतपूर्व प्रतिनिधि, ये सभी लोग जाते हैं और पानी की समस्या सॉल्व करने के लिए, बिजली का समस्या सॉल्व करने के लिए कई वादे करते हैं, लेकिन आज तक ये पानी का मुद्दा निपट नहीं पाया है, सॉल्व नहीं हो पाया है। जमशेदपुर प्रखंड मुख्यालय में आज सुबह पार्टी ने वर्तमान सरकार के वादा खिलाफी, भ्रष्टाचार, खनिज संपदाओं की लूट एवं स्थानीय जन मुद्दों को लेकर एक दिवसीय धरना दिया। वहीं आजसू के जिला अध्यक्ष कन्हैया सिंह ने कहा कि इस राज्य में भ्रष्टाचार, हत्या, लूट, वादा खिलाफी काफी बढ़ गई है, इसलिए आजसू पार्टी चुप नहीं बैठेगी। इसलिए सभी प्रखंडों में धरना के माध्यम से सरकार के खिलाफ आजसू पार्टी विरोध जता रही है। आज जो ये स्थिति हो गई है इस राज्य की, विकास रुक सा गया है। आप देखिए पूरा का पूरा देखे तो सरकार और यहाँ के सरकारी तंत्र लूट का चोट में लगे हुए, चाहे वो ब्लॉक हो। आज सबसे ज़्यादा अगर देखें तो सरकार चला रहे हैं या तो सीओ चला रहे हैं या थाना प्रभारी चला रहे हैं, ये दोनों कहीं ना कहीं आम जनमानस को दबाकर लूट खसोट में लगे हुए, भयादोहन करने में लगे हुए। एक आदमी को अगर अपना म्यूटेशन कराना रहता है तो कर्मचारी से लेकर के सीओ तक एक रेट बांध दिया गया है, वो मांगा कीमत दिया जाता है और इतना डराया जाता है, भाई पैदा किया जाता है कि वो आदमी अपनी जमीन का जो एक नंबर जमीन है उसका भी पैसा मैंने कई गुना ज़्यादा दे करके म्यूटेशन कराता है, यूँ कहें कि घूस देता है। उसके अलावा आप पुलिस प्रशासन को देख लीजिए, आप जमशेदपुर में आज के डेट में अखबार खोलिए सुबह तो सबसे पहले दिखता है कि मानगो में गोली चली, साक्षी में चैन छिनतई हुआ, सीतगोड़ा में गोली चला, फलना की हत्या हो गई, कहीं ये नहीं छप रहा है कि हेलमेट में कोई पकड़ाया, क्या कि सबसे बड़ा अपराध आज के डेट में हेलमेट नहीं पहनना हो गया। प्रशासन पूरा का पूरा हेलमेट चेकिंग और सीट बेल्ट और कागज पत्र पर डिपेंड हो गई है। एक आम गरीब आदमी जिसको 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर कंपनी जाना है, अगर वो इंश्योरेंस मान लीजिए उसका फेल हो गया है, उसको इतना ना भया दोहन करता है, लो डराता है, लो वो मांगा कीमत मांगता है, लो 2000-4000 लेकर के और उसको छोड़ दिया जाता है, वो भी सरकारी मद में पैसा नहीं जाता है। तो कहीं ना कहीं और इस तरह से कई जन समस्याओं को लेकर हम लोग 30 सूत्री मांग आज जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय में सौंपेंगे मुख्यमंत्री के नाम से। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़।
सेवक पूजा भंडार। जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, माला, चुनरी, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिश्तीपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 0657-23-20075। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं श्रद्धा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं। जमशेदपुर मुखिया संघ ने आज यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आज बैठक किया और कड़ी विरोध जताई। मुखिया संघ के अध्यक्ष पाल्टन मुर्मू, महासचिव कानू मुर्मू, कार्यकारी अध्यक्ष सरस्वती टुडू ने कहा कि यह कानून लागू होने से आदिवासी समाज के लोगों का अधिकार को छीना जाएगा, आदिवासी समाज खतरे में पड़ जाएंगे आदि कई बातें कही। इसलिए यह कानून का हम लोग कड़ा विरोध जता रहे हैं। इससे निश्चित रूप से जो आदिवासियों का विशेष कानून है, विशेष प्रावधान है, हमारे जो अलग अलग पद्धति है, सभी चीज हमें नष्ट हो जाएगा और निश्चित रूप से इससे हम आदिवासियों को पूर्ण रूप से हानि होगी, बहुत ही नुकसान होगा। और हम लोग जो आरक्षण मिला हुआ है, ये आरक्षण भी खत्म कर देगी सरकार। इसलिए हम सभी ये यहाँ निर्णय किए हैं कि हम लोग जिस भी लेवल में हो, हम लोग इसको पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। पहले तो अगर ये कानून लागू होता है, सबसे पहले हम लोग का ही जो कुर्सी है वो खतरा में पड़ जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हम लोग जो मुखिया संघ के कोर कमेटी में ये निर्णय हुआ है, हम लोग इस कानून को हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और हम लोग जितने भी आदिवासी समाज हैं, उनके जो शासन व्यवस्था के जो अगुवाई हैं, उनके साथ हम लोग एक मंच में आके उनके साथ हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। मुखिया संघ के ओर से भी हम लोग प्रदर्शन करेंगे, विरोध प्रदर्शन। तो हम लोग ये चाहते हैं कि एक देश एक समान कानून ना बने, और जिस तरह से पहले से कानून बनाया गया है उनको सख्ती से लागू किया जाए। क्योंकि अगर कानून बनती है तो स्वाभाविक है कि उसके जो है शिक्षा, जो हमारा आदिवासी या एसटी का जो आरक्षण है, उनको जो शिक्षा में जो सुविधा मिलती है वो प्रभावित होगी, स्वास्थ्य में प्रभावित होगी, काफी सारी चीज है। और हम लोग इसको कड़ा आपत्ति दर्ज करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो है मुखिया संघ के तरफ से जो है हम लोग इसको विधि आयोग को लिखना पड़े, तो हम लोग जरूर इस विषय पे लिखेंगे। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन द्वारा देश भर में सभी जिलों से देश के प्रधानमंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपा गया। फाउंडेशन के द्वारा जमशेदपुर जिला मुख्यालय पहुंचकर जिले के उपायुक्त के माध्यम से मांग पत्र देश के प्रधानमंत्री को सौंपा गया। इन्होंने कहा कि आज देश में जनसंख्या नियंत्रण अति आवश्यक हो गया है। देश की जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में पहुंच गई है। हम दो हमारे दो की नीति को अपनाना अति आवश्यक हो गया है। इन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने देश के हित में कई अहम फैसले लिए हैं और इस कारण अब जनसंख्या नियंत्रण पर भी कानून बनाना आवश्यक है और यही मांग फाउंडेशन के द्वारा उठाया गया है। आज जिले के उपायुक्त विजय नारायण जादव जी के पास हम लोग आए हैं और आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नाम आप देख रहे हैं, मेरे हाथ में पत्र है। ये पत्र हम लोग उपायुक्त जी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को हम लोग प्रेषित कर रहे हैं और लगातार 10 वर्षों से पूरे भारत वर्ष में कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर जनसंख्या फाउंडेशन के लोग सड़कों पर आंदोलनरत हैं। वहीं रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर के सत्र 2023-24 के नए अध्यक्ष के रूप में प्रमोद दुबे ने शपथ ग्रहण कर लिया है। क्लब के तमाम बोर्ड सदस्यों की उपस्थिति में उन्होंने यह शपथ ग्रहण किया। बता दें कि क्लब के द्वारा प्रत्येक सत्र के लिए नए अध्यक्ष व नई टीम का चुनाव किया जाता है। इस बार के अध्यक्ष के रूप में प्रमोद दुबे का चुनाव किया गया है।
शपथ ग्रहण के उपरांत नए अध्यक्ष प्रमोद दुबे ने कहा कि क्लब के द्वारा किए जा रहे जनहित के कार्यों को आगे बढ़ाना ही उनका प्रथम लक्ष्य है। जरूरतमंदों को हर संभव मदद का प्रयास वे करेंगे, साथ ही क्लब के तमाम सदस्यों को एकजुट रखते हुए वे क्लब के उद्देश्यों पर खड़ा उतरने का प्रयास करेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि मैं रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर, जो शहर का और आप कह सकते हैं पूरे राज्य का, अपने ही राज्य का नहीं, बिहार और झारखंड दोनों में सबसे पुराना और सबसे बड़ा क्लब है। हमारे क्लब में तकरीबन 134 मेंबर हैं और एक इस क्लब की अध्यक्ष की जिम्मेदारी थोड़ी अलग हो जाती है और मैं कोशिश करूँगा कि उस जिम्मेदारी को खड़ा उतरूँ। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर पोटका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शिविर लगाया गया और लोगों को जागरूक किया गया। वहीं साथ ही शिविर में गर्भ निरोधक दवा भी दिया जा रहा है और साथ ही ऑन व्हील प्रचार गाड़ी के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है ताकि लोगों के बीच जागरूक किया जा सके। झारखंड गवर्नमेंट ने प्लानिंग की है कि ये परिवार नियोजन के बारे में हर लोगों के, हमारे ब्लॉक के, पटका के ब्लॉक के हर लोगों तक जागरूकता फैलाया जाए। मानगो स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मानगो स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मेडिकल ऑफिसर समेत स्थानीय लोग उपस्थित थे। आप सभी जानते हैं कि संसाधन जो हमारे यहाँ है वो सीमित है, लेकिन अगर जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो संसाधन हमारे पास उपलब्ध नहीं है। पानी है, पोषण है, बच्चों का खाना पीना है, ये सब चीज़ें तभी हम सब बच्चों को दे पाएंगे जब हम बच्चों को सीमित करेंगे। इसी के लिए, इसी उद्देश्य के साथ में हम लोगों ने आज एक रैली निकाला था। साक्ष्य से सब्जी मंडी के तत्वाधान में पहली सोमवारी पर जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साक्षी सब्जी मंडी के दुकानदारों की ओर से पहली सोमवारी पर जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान भक्तों के बीच भोग का वितरण किया गया। भोले बाबा सबको सुखी संपन्न, व्यापार अच्छा रखे, जितने भी जहाँ भी है बीमारी से दूर रखे, यही प्रभु से हम कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। साक्षी सब्जी मंडी एक ऐसा जगह है, यहाँ पे हर साल जो है हरे कीर्तन की बड़ी धूमधाम से होती है और इस बार भोले बाबा के भी प्रोग्राम देखे, काफ़ी भीड़ है, सब कोई आए हैं, सब बहुत कम समय में हम लोग जो है भोले बाबा का प्रोग्राम रखे, फिर भी काफ़ी आदमी आए हैं। इधर डुमरिया में सांसद और विधायक ने किया भागा बांधी उड़ीसा बॉर्डर सड़क का शिलान्यास। डुमरिया प्रखंड के भागा बांधी से उड़ीसा बॉर्डर तक लगभग 9 किलोमीटर सड़क का निर्माण पथ निर्माण विभाग द्वारा 7 करोड़ की लागत से किया जाएगा। सोमवार को सांसद विद्युत वरण महतो और पोटका विधायक संजीव सरदार ने सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास नारियल फोड़ कर किया। सड़क का निर्माण भागा बांधी भीतर आमदा फुलझाड़ी होते हुए उड़ीसा सीमा तक चौड़ीकरण और मजबूतीकरण कार्य किया जाएगा। हमारे झारखंडीय लोग हैं, वहाँ पे कैसे विकास हो पाए, विकास तभी संभव है, रोड रास्ता होगा और भगवान होगा और तभी जाके व्यवस्था पहुँचेगा, तभी जाके विकास होगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच है और उसी सोच के आधार पर आज इस पद को हम लोग शुरू किए हैं और आने वाला दिन में विकास होगा। और बिरसा नगर स्थित श्री श्री नर्मदेश्वर शिव संकट मोचन हनुमान मंदिर प्रांगण में किया गया जलाभिषेक। बिरसा नगर स्थित श्री श्री नर्मदेश्वर शिव संकट मोचन हनुमान मंदिर प्रांगण में शिव भक्तों द्वारा जलाभिषेक किया गया। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। बागबेड़ा थाना अंतर्गत बड़ौदा घाट नदी में खेलने गए 12 वर्षीय बच्चे की डूब जाने से हुई मौत, पुलिस जांच में जुटी। परसुडी में पारिवारिक विवाद में पति ने अपने पत्नी की पीट पीट कर हत्या कर दी, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर के आरडी टाटा मोड़ के पास स्कॉर्पियो ने ऑटो को मारी टक्कर, 2 महिला समेत 5 घायल, एमजीएम में इलाजरत। और जमशेदपुर के जिला मुख्यालय पहुंच सैकड़ों की संख्या में छात्राओं ने मूलभूत सुविधा की मांग को लेकर आंदोलन किया। और आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज़ की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।